नमस्कार। देखिए, दर्द कई बार शरीर में बहुत तरीके के आते हैं और ऐसा ही एक दर्द होता है, कलाई का दर्द। कलाई में देखिए, यहाँ पर इस जगह कहीं भी एक जगह दर्द आ जाता है, इस जगह आ जाता है, इस जगह। ये सामान्य प्रक्रिया है। कई बार लिखने की वजह से या हाथों की कुछ एक्सरसाइज करने की वजह से या कई बार कुछ भी नहीं करने से भी सुबह उठते ही दर्द होता है। कई बार ऐसे बैठे रहते हैं तो एक झटका लग गया, उससे भी दर्द हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर आम तौर पर दर्द होता है। इसको हमारे क्षेत्र में काना पड़ना कहते हैं, वैसे राजस्थानी शब्द है ये, काना पड़ जाता है। और अब इसका और क्या अर्थ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गाँव में ज़्यादातर इसको मैंने सुना है। इसका जो ट्रीटमेंट है, वैसे तो देखिए कि जो थोड़े से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो कहते हैं कोई झाड़ा लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक क्रैम्प है और इस क्रैम्प का जो इलाज है वो एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। इसका इलाज मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ किसी भी प्रकार का दर्द हो तो फिर ये जो अंगुली है, मध्यमा अंगुली है, इसका ये जो नाखून के जस्ट नीचे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप दबा सकते हैं इस तरीके से। इसको अगर आप दो दो तीन तीन मिनट ऐसे ऐसे प्रेशर करेंगे दो तीन बार दिन में, तो आपको ये जो दर्द है इसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। वैसे खुद करने की बजाय किसी और से करवाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि खुद जो है वो इसका पॉइंट अच्छी तरह दबा नहीं पाता है व्यक्ति, तो किसी से भी दबवा लें। और अगर कोई दूर नहीं है तो फिर आप अंगूठे से भी इस तरीके से ऐसे ऐसे थोड़ा मतलब राउंड करना है। ये जो वेन है, ये वेन जो है ये खींचनी चाहिए, सीधी सीधी यहाँ से जुड़ी होती है। बाई चांस ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो इस अंगुली पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता चल रहा कि किस अंगुली पे है, तो तीनों अंगुलियों की जो ये जोड़ है, इस जोड़ के ऊपर, क्योंकि ये भी जोड़ है और इस जोड़ का रिफ्लेक्शन है हमारा ये जोड़, तो इस जोड़ के ऊपर जहां पर दर्द है, जिस साइड में दर्द है, उस साइड में थोड़ा सा इसको घुमा लीजिए। और इसी तरीके से दूसरा जो इसका उपाय है वो ये है कि यहाँ पर अगर दर्द है तो इस हाथ में सेम समानांतर पॉइंट होता है, अगर यहाँ दर्द है तो इस हाथ में यहाँ पर इसका पॉइंट होगा, अगर यहाँ दर्द है तो इस हाथ में यहाँ पर इसका पॉइंट होगा। तो जहां दर्द है, जिस जगह, जैसे यहाँ पर इस पूरी लाइन में यहाँ सेंटर में दर्द आ गया, तो आप ये देखिए इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, एकदम सेंटर उसी जगह, जिस जगह इस हाथ में दर्द है उसी जगह इस हाथ में आपको वो पॉइंट मिलेगा। और उस पॉइंट को इस तरीके से थोड़ी देर दबाएंगे तो आपको यहाँ पर रिलीफ लग जाएगा। अगर यहाँ पर हमें दर्द खुद हो रहा है तो किसी और से दबवाइएगा, क्योंकि जब इस अंगुली का प्रेशर पड़ेगा तो इस पर भी जोर पड़ता है, तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो आज कलाई के दर्द की बात हुई है, सामान्य सी प्रक्रिया है। और देखिए, अगर गठिया या ऑर्थराइटिस से संबंधित समस्या हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, ऐसी कोई समस्या है या कोई चोट लग गई हो, तो फिर ये पॉइंट काम नहीं करेगा। ये एक सामान्य स्थिति के लिए मैंने आपको बात कही है। अगर कोई भी गंभीर रोग हो तो फिर आपको डॉक्टर की राय जो है वो लेनी चाहिए, और गठिया वगैरह के लिए तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये आज एक छोटी सी चर्चा थी जो आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।